हेलो गाइज, जैसा कि कल हम लोगों ने नदी के क्वेश्चन करने शुरू किए थे, तो चलिए आज हम लोग उससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब पहला क्वेश्चन दिया है कि हम्बर्ग किस नदी के किनारे स्थित है। तो अगर हम लोग हम्बर्ग की बात करें तो हम्बर्ग जर्मनी का एक प्रमुख शहर है, और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है एल्ब नदी के किनारे। तो पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा? एल्ब एल्ब नदी के किनारे स्थित है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि रीगा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो अगर हम लोग रीगा शहर की बात करें तो रीगा रीगा लाटविया की राजधानी है, और लाटविया की राजधानी ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है वेस्ट डिबूना के किनारे। तो जो वेस्ट डिबूना के किनारे स्थित है रीगा, इसलिए इसकी राजधानी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट डिबूना सी। इसके बाद अगर हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन दिया है लियोन। लियोन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो लियोन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? लियोन शहर, जो कि फ्रांस का एक प्रमुख शहर है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है रोन के किनारे। लियोन में ही क्या है? तो लियोन में ही इंटरपोल का हेडक्वार्टर है। इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल पुलिस। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है यह है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? तो अगर हम लोग देखें न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है, तो न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वारसा किस नदी के किनारे स्थित है। तो अगर हम लोग वारसा की बात करें तो वारसा किस नदी के किनारे स्थित है? वारसा विस्तुला नदी के किनारे स्थित है। वारसा कहाँ की राजधानी है? तो वारसा पोलैंड की राजधानी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बर्लिन किस नदी के किनारे स्थित है। तो अगर हम लोग बर्लिन की बात करें तो बर्लिन कहाँ का शहर है? बर्लिन जर्मनी का प्रमुख शहर है, और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्प्री नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है डबलिन। डबलिन किस नदी के किनारे स्थित है? तो अगर हम लोग डबलिन की बात करें तो डबलिन आयरलैंड का प्रमुख शहर है और राजधानी भी है। तो ये डबलिन किस नदी के किनारे स्थित है? तो डबलिन स्थित है लिफी नदी के किनारे। याद कीजिए, आयरलैंड, अगर आयरलैंड की हम लोग बात करें तो ये यूके वाले पोर्शन में, इसके उत्तरी भाग में नॉर्दर्न आयरलैंड है। वहीं रिपब्लिक आयरलैंड, रिपब्लिक आयरलैंड का प्रमुख शहर डबलिन। कौन सी नदी पढ़ा हम लोगों ने? लिफी नदी। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि पर्थ किस नदी के किनारे स्थित है। अब अगर हम लोग पर्थ की बात करें तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख शहर है, और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो पर्थ स्थित है स्वान नदी के किनारे। सी आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद अगर अगला क्वेश्चन हम लोग देखें कि सिडनी किस नदी के किनारे स्थित है। सिडनी भी कहाँ का शहर है? तो सिडनी भी शहर है, ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख शहर है, और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिडनी डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद अगला शहर अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन दिया है कैंटन। कैंटन किस नदी के किनारे स्थित है? तो अगर हम लोग कैंटन की बात करें तो कैंटन सिकियांग नदी के किनारे स्थित है, और सिकियांग ये चाइना की नदी है, और ये सिक्यांग भी इसको हम लोग पढ़ते हैं, और कैंटन चाइना।